सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल कैमरे वाला एप्लीकेशन अपने K20 और K20 प्रो में, जो कि पूरे अच्छी तरीके से काम करे, कोई भी आपको लैग कोई भी इश्यूज देखने को ना मिले। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक गिव अवे चल रहा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जी हां, K20 प्रो का हम गिव अवे कर रहे हैं, तो आपको अगर उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको आई कार्ड्स में भी वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो वहां से भी आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना यार। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है XDA फोरम्स की, जो कि एप्स प्रोवाइड करती है, मॉडेड एप्लीकेशंस वगैरह प्रोवाइड करती है दूसरे फोन्स में, ताकि वो एप्स को हम यूज कर सके। इसलिए मैं आपको सेफ लिंक दूंगा, थर्ड पार्टी लिंक से डाउनलोड ना करे। सो दोस्तों, कुल मिला के जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, आपको वहीं से डाउनलोड करना है इस ऐप को। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, लगभग से 100 MB का ये ऐप है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली से इंस्टॉल कर लेना है, तो जैसे कि हम दूसरे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इसे भी नॉर्मल इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस ऐप को आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको जाना है मोर में। मोर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है F1 मोड सेटिंग्स में, जिससे कि आप सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं इस ऐप की। यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैक कैमरा मॉडल, आपको कौन सा चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा Pixel 3 XL के लिए। फ्रंट कैमरा मॉडल भी आप Pixel 3 XL ही सेलेक्ट कर लीजिए। यहां से आप रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं कैमरे का, फ्रंट कैमरे का रिजोल्यूशन, बैक कैमरे का रिजोल्यूशन, और 4K में टाइम लैप्स की सेटिंग्स, बिट रेट वगैरह सेट कर सकते हैं। आपको वीडियो में कितना हाई क्वालिटी वाली बिटरेट चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। HDR+ वाली पोर्ट्रेट फोटोज के लिए आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ पे आप रियर पोर्ट्रेट जूम, अगर आपको जूम वाली पोर्ट्रेट फोटोज अच्छी लगती तो वो भी आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि हमें ओरिजिनल गूगल में देखने को मिलती है, गूगल के फोन में देखने को मिलती है। सो दोस्तों, ये सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो आपको Pixel 3 XL, यानी कि जो मॉडल है कैमरे के, आपको Pixel 3 XL में डालने हैं दोनों ही कैमरा में, फ्रंट कैमरा में भी और बैक कैमरा में भी, ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिल सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जी हाँ, बहुत छोटी वीडियो थी मैं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसे में आप लोगों को ये बताना जरूरी था कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल कैमरा को अपने रेडमी K20 और K20 प्रो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की एक लाइक से। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में टारगेट है 100 लाइक्स का, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।